हेलो फ्रेंड्स, आज हम चॉकलेट आइसक्रीम बनाने वाले हैं, तो चलो देखते हैं इसको कैसे बनाना है। इसके लिए हमको चाहिए बिस्किट, मिल्क पाउडर, चीनी, वनीला एसेंस, चिल्ड दूध, मलाई। इन सब की क्वांटिटीज मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हैं। अब हम हमारे बिस्किट तोड़ के मिक्सी में डाल देंगे। अब हम इसमें चीनी डालेंगे। अब हम इसको ग्राइंड करेंगे। अभी अच्छे से ग्राइंड हो चुकी है। अब हम इसमें दूध डालेंगे। अब हम इसमें मलाई डालेंगे। अब हम इसमें मिल्क पाउडर डालेंगे, ये एकदम ऑप्शनल है। अब हम इसमें वनीला एसेंस डालेंगे, ये भी ऑप्शनल है। अब हम इसको ग्राइंड करेंगे। अभी अच्छे से ग्राइंड हो चुकी है, आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं। अब हम इसको किसी भी एयर टाइट डिब्बे में डाल देंगे। अब हम इसको किसी भी प्लास्टिक से कवर कर देंगे। हम इसके डिब्बे का ढक्कन लगा देंगे। अब हम इसको फ्रीजर में जमने के लिए रख देंगे। 3-4 घंटे हो गए हैं, अभी अच्छे से जम चुकी होगी। आइए इसको देख लेते हैं। अब हम इसको वापस से मिक्सी में डालेंगे। आप देख सकते हैं कितनी क्रीमी बनी है। अब हम इसको एयरटाइट डिब्बे में डाल देंगे। अब हम इसको पहले की तरह ही प्लास्टिक से कवर करके फ्रीजर में जमने के लिए रख देंगे। अभी अच्छे से तैयार हो चुकी है, अब हम इसको किसी भी कटोरी में निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कैसे दिख रही है। अब हम इसको चॉकलेट सॉस या चॉकलेट सिरप से सजा देंगे। इसकी रेसिपी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। हम इसको आलमंड से भी सजा सकते हैं। नाउ इट इज रेडी।